रोड का लेवल से घर का जो ग्राउंड फ्लोर लेवल होगा उसका हाइट कितना होगा। देखिए जनरल प्रैक्टिस जो है आपका, जो अगर हम बात करें जो आपका मेन रोड है उसका रोड लेवल से इसका जो ग्राउंड लेवल, जिसको हम लोग प्लिंथ लेवल भी बोलते हैं, वो आपका 2 फीट के हाइट में रखना चाहिए। इससे क्या है कि इन फ्यूचर में अगर कहीं रोड ऊंचा भी हुआ तो आपका जो है फ्लोर लेवल नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि हर एक 5 साल 10 साल बाद जो है सरकार जो अपना रोड को हाइट करते रहता है, इनकेस अगर रोड पर पानी जमा होने लगता है तब। और बहुत लोग जो प्लिंथ, हम यहाँ पर प्लिंथ लेवल की बात कर रहे हैं, प्लिंथ लेवल, लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं प्लिंथ बीम है, ये प्लिंथ बीम आपका जो उस रोड लेवल से 1 फीट में है। अब इस प्लिंथ बीम के ऊपर हमें 1 फीट का और हमें जो क्या करना है, ईंट की चिनाई करना, जैसे कि आप आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो है 3 लेयर जो है ईंट चिनाई हुआ है और इसके ऊपर DPC लेवल होगा। जैसे अगर हम बात करें उसका भी, उस रोड से जो है इसका DP ग्राउंड का फ्लोर लेवल जो है वो 2 फीट के हाइट में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं DPC लेवल हो गया। तो DPC लेवल ही आपका जो है, DPC हो गया डैम प्रूफ कोर्स, DPC लेवल ही आपका रोड ये ग्राउंड फ्लोर लेवल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग DPC पूरी तरीके से कर देंगे, ठीक है, DPC कर देंगे और इसके ऊपर पूरा जो हम जो है बालू फिलिंग कर देंगे। बालू फिलिंग करने के बाद फिर तब जा कर के आता है आपका, तो टोटल कितना हो गया 2 फीट का, मतलब 1 फीट डेप्थ में आपका प्लिंथ बीम रहेगा। जैसे आप यहाँ बीम देख रहे हैं रोड लेवल से 1 फीट हाइट में है, मतलब कि फ्लोर लेवल से 1 फीट डेप्थ में प्लिंथ बीम रहेगा। प्लिंथ बीम का साइज़ यहाँ पर 9 इंची बाय आपका 12 इंची का है, 9 इंची आपका विड्थ हो गया, 12 इंची आपका डेप्थ हो गया। तो यही है कि भाई मन में अगर क्वेश्चन था कि भाई रोड लेवल से घर का फ्लोर लेवल कितना हाइट में रखें, तो 2 फीट के हाइट में आपको रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान में लेकर चलना है, उससे कम नहीं करना। भलों ही जो है, जैसे अगर हम 2 फीट के हाइट में रखें तो भलों ही यहाँ पे इसका बैक फिलिंग में हमें कुछ ज़्यादा जो है मेटल इस्तेमाल करना पड़े। इसके लिए देखिए क्या है कि यहाँ पर अगर हम जिस एरिया में हम लोग रहते हैं यहाँ पर बालू जो है बहुत सस्ता पड़ता है, नदी बगल में है, इसलिए यहाँ पर ईजी तरीके से बालू मिल जाता है, तो बालू लेकर के आप इसमें बैक फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बालू बहुत ही जो है महंगा है, यहाँ बालू सस्ता है, जहाँ बालू बहुत ही महंगा उस जगह पर आप एक काम कर सकते हैं, उसके जगह पर स्टोन डस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो अगर मिट्टी को, अगर हम बात करें मिट्टी ही इस्तेमाल करना है, जैसे कि इसका जो खुदाई का जो हुआ था मिट्टी को ही बैक फिलिंग करना है, तो मिट्टी प्योर होना चाहिए और उसको लेयर बाय लेयर, मतलब टोटल 3 लेयर में हमें जो है उसको फिलिंग करना। पहला लेयर फिलिंग कर देंगे, उसको प्रॉपर तरीके से कंपैक्शन कर देंगे। कंपैक्शन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्लेट सरफेस वाइब्रेटर, और फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट लेयर डालेंगे, फिर उसको कंपैक्शन करेंगे, फिर तीसरा लेयर में फाइनल लेयर रहेगा। और कंपैक्शन के लिए आप प्लेट वाइब्रेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है उसमें पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी भी जो है मिट्टी को कंपैक्ट करने में मदद करती है। तो ये सारा चीज़ जानकारी जो है आपको होना चाहिए, फ्लोर लेवल कितना हाइट में रखें रोड लेवल से। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया, अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी आप क्लिक कर दीजिएगा, उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।